हेलो दोस्तों, तो दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों आज की वैकेंसी जो आपने अभी अपने स्क्रीन पे देखा कि NHAI की तरफ से आई है, जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो वैकेंसी है इसमें इसीलिए मेंशन है कि कोई एग्ज़ाम कोई फीस नहीं है। NHAI की मेन सब कॉन्ट्रैक्टर कंपनीज तीन ही चार हैं। कौन कौन सी है? एक तो IRB है, एक HG इंफ्रा है जो NHAI के मेन कौन सब कॉन्ट्रैक्टर कंपनीज है, जो ग्लोबलाइड एज वेल एज पैन इंडिया वर्क करती है। आज के टाइम में आपको पता ही है कि हाईवे के कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आपकी जॉब लगना बिल्कुल ईजी हो सकता है अगर आप अप्लाई करते हैं तो। मैं आपको बता दूँ इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि यहाँ हर एक डिपार्टमेंट के बंदे एलिजिबल है। कैसे? आप देखेंगे प्रोजेक्ट्स, हाईवेज, स्ट्रक्चर प्लानिंग, क्वालिटी सर्वे, कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन, स्टोर्स, लिसन, HR, सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल, इसके साथ साथ IT वाले भी एलिजिबल हैं। मैं आपको यहाँ वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोलना चाहूँगा ITI, डिप्लोमा और BTech वाले एलिजिबल हैं। दोस्तों आपसे सभी से मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो मैंने आपको एक प्लेटफॉर्म बताया है। वो प्लेटफॉर्म क्या है? एक तो टेलीग्राम चैनल और एक इंस्टाग्राम। देखिए मैं 90% स्टूडेंट अपने क्यों फेल हो रहे हैं, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अप्लाई कर देते हैं। लाइक आपके साथ किसी ने अप्लाई किया लेकिन उसका सिलेक्शन हो गया लेकिन आपका नहीं हुआ। ऐसा बहुत बंदों के साथ हुआ होगा। उसका रीज़न पता क्या है? और जबकि आपने ये भी देखा होगा कि उसके परसेंटेज आपसे कम है, उसके स्किल्स कम है लेकिन उसका CV अच्छा है। देखिए फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है, वही सबसे बेस्ट बनाना होता है। तो हमें कवर लेटर और CV दोनों ही परफेक्ट चाहिए। CV की पर्टिकुलर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना के डाल दी। इसके साथ साथ आप अपना CV मेरे को इंस्टा पे भेजिए, मैं आपका CV आगे किसी कंपनी को, जैसे मेरे पास रिप्लाई आते हैं, रिवर्ड्स आते हैं तो मैं उनको फॉरवर्ड कर सकता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप अपना किसी भी जो भी CV है उसका स्नैपशॉट लीजिए और मेरे को इंस्टा पे भेजिए। अगर मेरी कोई भी क्वेरी होगी हाय मत लिखिएगा, क्योंकि एक ही मैसेज होता है इंस्टा पे, तो आप जल्दी से जल्दी भेज दीजिए। दोस्तों टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में। ये हैं लोकेंद्र सिंह जी, जिनका जो एचआर हैं किस में? ये है NHAI में। दोस्तों HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड इज अ लुकिंग कैंडिडेट फॉर इट्स न्यू हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए आई हुई है एक वैकेंसी को, कहाँ के लिए? झारखंड एंड आंध्रा के लिए। आपको इन्होंने बोला, देखिए झारखंड और आंध्रा के लिए रहने वाली है लेकिन इसकी पोस्टिंग रहेगी पैन इंडिया में, तो यहाँ पैन इंडिया वाले ही अप्लाई करें। देखिए पैन इंडिया वाले कैसे होता है कि सबसे पहले तो पैन इंडिया होता क्या है, पैन की फुल फॉर्म होती है प्रेजेंस, ए का मतलब होता है एक्रोस, एन का मतलब होता है नेशन। नेशन के अंदर आपकी रिक्रूटमेंट कहीं भी हो सकती है, ध्यान से सुनिएगा, नेशन के अंदर आपकी रिक्रूटमेंट कहीं भी हो सकती है, वही वैकेंसी होती है पैन इंडिया के लिए। दोस्तों ये जो वैकेंसी आई हुई है ये बहुत ही अच्छी आई हुई है सभी के लिए। तो इसको अप्लाई कैसे करना है, ये जो लिंक दिया हुआ है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके की एक सीट ओपन होकर आ जाएगी। इसमें क्या मेंशन है? HG इंफ्रा जॉब एप्लीकेशन फॉर नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स पैन इंडिया। देखिए अभी भी मैं आपको बोलूँगा पैन इंडिया, अब फिर दोबारा बता देता हूँ, पैन का मतलब होता है प्रेजेंस, ए का मतलब होता है एक्रोस, एन का मतलब होता है नेशन। प्रेजेंस, एक्रोस, नेशन, नेशन के अंदर मतलब इंडिया के अंदर आपकी पोस्टिंग कहीं भी रह सकती है। दोस्तों इसके बाद आपको सबसे पहले कैपिटल में अपना नाम मेंशन कर देना है। करंट ऑर्गेनाइजेशन, दोस्तों आपकी करंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सबसे पहले तो इन्होंने बोला है डेजिग्नेशन। देखिए मैं आप सभी को एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो फ्रेशर हैं वो ऑलवेज इंजीनियर से, जो BTech है वो इंजीनियर से, जो डिप्लोमा है जूनियर इंजीनियर से, जो ITI वाले हैं वो अदर्स से मेंशन करें। एक चीज़ और याद रख लीजिएगा, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर भी जो होता है वो डिप्लोमा वाला होता है। इसके साथ साथ यहाँ एनी ग्रेजुएट वालों के लिए भी ये वैकेंसी है। आपके नोन में, आपकी फैमिली में कोई एनी ग्रेजुएट, किसी ने BA BCom कर रखी हो और वो जॉब ढूंढ रहा हो और परेशान हो रहा हो तो उसको भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट क्या है, करंट ऑर्गेनाइज, ये डिपार्टमेंट कौन सा होगा, करंट ऑर्गेनाइजेशन। तो जब ऑर्गेनाइजेशन, जो फ्रेशर है ना, जो अभी 2024 में पास आउट होने वाले हैं, वो यहां मेंशन कर दीजिएगा फ्रेशर। क्या? फ्रेशर। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, देखिए क्वालिफिकेशन क्या आ गया, क्वालिफिकेशन में आपको डिप्लोमा वाले डिप्लोमा मेंशन करें, BE BTech वाले BE BTech, ITI वाले ITI। देखिए जो बंदा यहाँ
एनी ग्रेजुएट से आया है लाइक बीए बीकॉम से, तो वो यहाँ मेंशन करे बीबीए एमसीए। इसके अलावा किसी ने डिस्टेंस लर्निंग से कुछ कर रखा है तो वो भी अदर एनी अदर ग्रेजुएशन। इसके अलावा किसी ने 10th 12th कर रखी है वो अदर्स में मेंशन करें। दोस्तों इतना करने के बाद आपका पासिंग ईयर्स जो भी रहने वाला है, मान लीजिए आप 2024 में पास आउट हो रहे हैं तो 2024 ही मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि जब आपकी वैकेंसी आएगी हो सकता है कि इनके पास आपकी वैकेंसी से रिलेटेड, आपके डोमेन से रिलेटेड एक महीने बाद भर्ती आए, तो उस टाइम पे ये आपको रिक्रूट कर लेंगे। टोटल एक्सपीरियंस क्या है मांगा है, देखिए एक चीज़ याद रखिए, कुछ फॉर्मेट्स में एक्सेल सीट की फॉर्मेट होता है, ये जो है वर्ड का फॉर्मेट है और ऑटो फॉर्मेट होता है, तो जो फ्रेशर है वो 1 है मेंशन कर दीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद आप देखिएगा करंट सीटीसी, अब ये सीटीसी का मंथली क्या होता है, सीटीसी की फुल फॉर्म देखिए, सीटीसी की फुल फॉर्म होती है कॉस्ट टू कंपनी, मतलब कंपनी आपको टोटली कितना देती है। देखिए अभी तक जो फ्रेशर है उनके लिए मैं आपको बता दूं, जैसे इस इन सब कंपनी में क्या होता है, डिप्लोमा वाले जो मेंशन करें वो 30,000 से कम मेंशन करें अगर जॉब चाहिए तो, बीटेक वाले जो मेंशन करें 40,000 से कम करें, आईटीआई वाले करें तो 25 से कम मेंशन करें। सेम एक्सपेक्टेड में भी सेम कर दीजिएगा क्योंकि अभी फ्रेशर की बात हो रही है। नोटिस पीरियड कम से कम इमीडिएट कर दीजिएगा तो आपकी जल्दी चांस होने का। नेटिव प्लेस, दोस्तों आपका घर कहाँ है वो मेंशन कर दीजिएगा, नेटिव स्टेट क्या है। ईमेल आईडी को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से लिखिएगा। नेक्स्ट आ गया मोबाइल नंबर, आप कहाँ काम करना चाहते हैं, दोस्तों मेंशन यही कीजिएगा पैन इंडिया, अगर आपने नॉर्थ साउथ किया तो आपका सिलेक्शन का 50% चांसेस खत्म। डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दीजिएगा। अब आया सबसे मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिज्यूम। दोस्तों 90% बंदे यहां के बाद सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे जो मैं आपको लिख दे रहा हूं, उसका रीजन है आपका जो रिज्यूम है ना वो किसी काम का नहीं है। बहुत स्टूडेंट्स का, मैं सबका नहीं बोल रहा हूँ, बहुत स्टूडेंट्स का, आप सभी को देखते हुए मैंने पर्टिकुलर एक डेडिकेटेड रिज्यूम फॉर्मेट से रिलेटेड वीडियो बना दी है, जिसकी डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको पोस्ट आउट कर दूंगा। जल्दी से जल्दी जाइए, जल्दी से जल्दी देख लीजिए और सेलेक्ट हो जाइए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, उसके बाद यहाँ सबमिट करके वीडियो को एंड करके और वीडियो को लाइक करके चले जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।